पीएसएल 8 का चौथा मैच कराची किंग्स अपना दूसरा लगातार मैच अपने होम ग्राउंड के अंदर हार गए। इस दफा जिसको कहते हैं इस्लामाबाद की टीम ने इनको हराया। इस्लामाबाद हमेशा से कराची किंग्स के ऊपर हावी रहा है, हिस्ट्री देख लेंगे अगर आप पीएसएल की, लेकिन आज दोबारा जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की इनकी पास बैटिंग लाइनअप है, बहुत ही खतरनाक इनकी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन अगर कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स अपना टीम कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रही। अगर आप देखें उन्होंने प्लेटिनम के अंदर इमरान ताहिर को पिक किया और सिर्फ उसको एक मैच खिलाया, अगले मैच उसको ड्रॉप कर दिया। अब किसको खिलाया, जेम्स फुलर को खिलाया जिसको इतनी मार पड़ी, इसी के साथ साथ वो बैटिंग करने से उनसे इतनी खच्ची बैटिंग भी नहीं। इसी के साथ अगर देखें तो जेम्स विन इनके आते साथ ही आउट हो गए, मैथ्यू वेड नहीं चले। तो कराची किंग्स को समझ नहीं आ रही कि किन फॉरेन प्लेयर से कॉम्बिनेशन के साथ चले और किन लोकल प्लेयर्स को खिलाए। हालांकि अगर टीम देखे शर्जील खान, हैदर अली, शुएब मलिक, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये बहुत बड़े पाकिस्तानी नाम है ऑलरेडी इस टीम के अंदर, लेकिन फिर भी इनसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। और क्यों नहीं बन रहा, ये इनकी सबसे बड़ी मैनेजमेंट की गलती है, इनसे कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की बात करें तो बहुत खतरनाक टीम है। अभी इसमें एलेक्स हेल नहीं आए, लेकिन आप देख सकते हैं सारे पाकिस्तान के जो तेज खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो इस टीम के अंदर है। इसी के साथ साथ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, पॉल स्टर्लिंग हम सब जानते हैं कितना खतरनाक प्लेयर है, चलेगा तो बहुत तेज खेलेगा अदरवाइज आउट हो जाएगा। एलेक्स हेल कितने खतरनाक प्लेयर है, वो भी इस टीम को ज्वाइन करने वाले, हमेशा से इधर से खेलते आए। इसी के साथ साथ कोलिन मुनरो आपके सामने है कि मतलब कि वो जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे वो अच्छे बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। और आज भी उन्होंने जिसको कहते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म के 50 किए बड़ी कम बॉलों के ऊपर। आजम खान आपके सामने, आजम खान को आपने देखा होगा क्या जबरदस्त किस्म की आज इसने बल्लेबाजी की है। इसी के साथ जो मजे की चीज है ना वो ये कि रोसी वेंडरड्यूसन जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, मैं बड़ा उनसे इंप्रेस हूं। मैंने उनको आज देखा पीएसएल के अंदर, तो वो उस टाइप की क्रिकेट उन्होंने खेली, लेकिन वो जब खेलेंगे तो बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी करेंगे और हम सब जानते हैं बड़ा खतरनाक वो प्लेयर है। तो इस टीम के अंदर बड़े जबरदस्त प्लेयर है। इसी के साथ साथ अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो इनके अफगानिस्तान के फॉरेन प्लेयर्स आने हैं तो वो भी ज्वाइन करेंगे, तो इनकी टीम बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। साथ तेमाल मिल्स ने ज्वाइन करना है, टॉम करन इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो बैटिंग तो इनकी जिसको कहते हैं ना 10-11 तक बैटिंग की है, जो इनके बॉलर्स है वो भी बल्लेबाजी कर लेते, इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कराची किंग्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने सोचा था कि अच्छी इन्होंने टीम बनाई है, अच्छे ड्राफ्ट में इन्होंने पिक्स किए थे प्लेयर, लेकिन अभी तक इनसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। आज इनको मैच जीतना चाहिए था, इन्होंने रन्स कम किए। इसी के साथ साथ कहते ना फिर विकेट्स, इनके पास कोई तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं है जो विकेट ले सके, जैसे मुल्तान के पास एहसानुल्लाह है, शाहीन है जिसको कहते हैं, लाहौर के पास हारिस रऊफ लाहौर के पास है, पिशावर जलमी के पास वहाब रियाज है। इसी तरह से हर टीम के पास एक तगड़ा बॉलर है, लेकिन इनके पास वो तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं है। मोहम्मद आमिर बॉलर तो है, लेकिन उनके पास पेस उस कैलिबर की नहीं रही। तो कराची किंग्स को कहते ना सोचना पड़ेगा। जिसको कहते हैं अब देखते हैं कल क्या होना है, कल मुल्तान वर्सेज पिशावर जलमी का मैच है, बाबर वर्सेज रिजवान का मैच है, लेट्स सी देखेंगे वो क्या होगा मुल्तान के अंदर मैच। पीएसएल के लिए खुशखबरी ये है कि अब से जैसे कहते हैं 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए पीएसएल की जो टिकट्स है उनको 50% लेस कर दिया गया प्राइस को, तो मुबारक हो सारे पीएसएल के फैंस को। इसी के साथ साथ बड़ा हैवी काम होने वाला, बड़े मजे की क्रिकेट होने वाली, बड़ा मुझे तो मजा पर्सनली बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन मैं बड़ा जिसको कहते हैं ना डिसार्ड कराची की परफॉर्मेंस, कराची बहुत गंदी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और जहां तक देखा जाए तो मुझे लगता है कि कराची किंग्स के बड़े बॉल इनको लेके डूब रहे, क्योंकि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले जा रहे थे। आपको अपनी परफॉर्मेंस से जिसको कहते हैं ना जितवाना होता है। इमाद वसीम कहते हैं कि इस दफा हमने वो टीम बनाई है जिसमें सारे मैच विनर्स हैं, तो भाई वो पर्सनल गोल्स के लिए नहीं खेलेंगे, अपने मैच जितवाएंगे। कहां आपकी टीम मैच जीत रही है, यानी अभी भी आपके जो प्लेयर्स हैं वो पर्सनल गोल के लिए खेल रहे हैं। हैदर अली जिसको कहते हैं पर्सनल गोल के लिए खेल रहा था ना, टीम के लिए तो नहीं खेला, इतना स्लो खेला है। तो इमाद वसीम जिसको कहते हैं ना बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनकी टीम जीत नहीं पा रही। आमिर भी जिसको कहते हैं बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन उनकी टीम जीत नहीं पा रही। खैर जिसको कहते हैं कि पीएसएल में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर और जिसको कहते हैं ये पिशावर, ये चार टीमें अपना एक एक मैच जीत चुकी है। कराची अपने दो हार गई है, क्वेटा अपना एक हार चुकी हुई है। लेट्स सी देखते हैं आगे जाके क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, उसके बाद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।